ये पुलाव को देखो दोस्तों, चावल कितना खिला खिला बने हैं और साथ साथ है मॉइस्ट, एकदम परफेक्टली ये पुलाव बने हैं दोस्तों। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, यकीन मानिए दोस्तों, ये रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर बने हैं। ताज़ा मटर से बनी हुई ये बहुत ही इजी और टेस्टी मटर पुलाव को आप झटपट बना सकते हैं। तो ये वीडियो को देखें और बिल्कुल देर न करके झटपट ये रेसिपी को बना ले। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बासमती चावल। अगर वेट से मापे तो ये 200 ग्राम चावल है। आप किसी भी ब्रांड का बासमती चावल ले तो इसे हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। चावल को वॉश करके अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक भीगने के लिए छोड़ देंगे और इस दौरान हम गैस पर एक कुकर लेके कुकर को गर्म करके इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डाल के घी को मेल्ट कर लेंगे। पुलाव घी में सबसे टेस्टी बनते हैं, पर आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। पुलाव के लिए ये मैंने लिया है कुछ छोटी इलायची, 5-6 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जावित्री, 25 ग्राम काजू और साथ में थोड़ा सा किशमिश लिया है, किशमिश ऑप्शनल है। घी को मेल्ट करके हम इसमें ये सूखे गरम मसाले डाल देंगे और इन्हें हम कुछ सेकेंड्स फ्राई कर लेंगे। सूखे मसाले से पुलाव फ्लेवरफुल बनेगा दोस्तों। दोस्तों पुलाव को हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। कुछ सेकंड्स बाद इसमें हम काजू और किशमिश डाल देंगे। तो काजू और किशमिश को हमें 1 मिनट फ्राई कर लेना है या तब तक फ्राई करें जब तक काजू का कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। एक मिनट के बाद अब हम 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन और साथ में 1/2 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल के इन्हें 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। 2 मिनट के बाद ये देखिए लहसुन और अदरक का कच्चे स्मेल बाहर आ गया है, तो अभी इसमें डाल देते हैं 1 प्याज के स्लाइसेस और प्याज को लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। प्याज लहसुन पुलाव में ऑप्शनल है, पर इससे पुलाव का टेस्ट अच्छा आता है। दोस्तों यहाँ पे प्याज को ज्यादा फ्राई ना करें, बस इसे इतना ही फ्राई करना है, ये देखिए। तो दोस्तों अगर ये ताजा मटर जब प्याज के साथ भुनेगा तो ये बेहतरीन फ्लेवर छोड़ेगा। अब हम इसमें फ्रेश मटर डाल देंगे। ये मैंने 150 ग्राम ताजा मटर के दाने लिया है, आप चाहे तो फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं। ये फ्रेश मटर है तो इसे हमें 2-2.5 मिनट भून लेना है, इससे पुलाव का स्वाद लाजवाब आएगा। दोस्तों फ्रेश मटर का स्वाद कुछ अलग ही होता है ना? अगर आप फ्रोजन मटर यूज करते हैं तो इसे आपको 1 से 1.5 मिनट भून लेना है। पुलाव को स्पाइसी बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। 2 मिनट के बाद ये देखिए मटर हमारा थोड़ा सा पक गया है, सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी डाल देते हैं हमारा भीगे हुए चावल को और चावल को मटर और मसाले के साथ 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून ले। अभी चावल को भूनने से पुलाव का टेस्ट बेहतर ही आएगा और साथ साथ चावल एकदम खिला खिला बनेगा, रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर भी आएगा। चावल को भिगोने से पुलाव जल्दी बनेगा और साथ साथ पुलाव का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आएगा। तो आप ये चावल को 15 से 20 मिनट भिगोए। तो चावल को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब चावल को देख सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हम डाल देते हैं 1.5 कप। पानी आपको लेना है चावल के ठीक 1.5 गुना, मतलब 1 कप चावल ले तो पानी हमें 1.5 कप लेना है। जिस कप से आप चावल को मापे उसी कप से आप पानी को भी माप ले। तो पानी डाल के इसे मिला ले और अभी डाले स्वादानुसार नमक और साथ में 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इससे पुलाव का स्वाद बहुत ही बढ़िया आते हैं। मिला ले इसे। दोस्तों कुकर में दानेदार मॉइस्ट पुलाव बनाने के लिए पानी का माप एकदम सही होना जरूरी है, नहीं तो पुलाव आपके ठीक तरह से नहीं बनेगा। पर दोस्तों अगर आप पैन में पुलाव बनाते हैं तो पानी आपको लेना है चावल के 2 गुना। अब हम कुकर के लीड लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 सीटी आने तक छोड़ते हैं। मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने के बाद कुकर को अभी ना खोले,
तो अभी गैस बंद कर दें और कुकर को तभी खोलें जब ये ठंडा हो जाए। तो कुछ देर बाद कुकर ठंडा हो चुका है और ये अपने आप ही खुल गया है। और ये देखिए दोस्तों, वाव कितना खूबसूरत हमारा ये मटर पुलाव बन के तैयार है। तो अभी हम एक फॉर्क की मदद से इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, चावल एकदम खिला खिला और मॉइस्ट, एकदम परफेक्टली ये पुलाव बने हैं। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, यकीन मानिए दोस्तों ये रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर बने हैं। और कितनी जल्दी कितनी आसानी से इसे मैंने बना लिया है। तो ये वीडियो को देखें और बिल्कुल देर न करके झटपट ये रेसिपी को बना ले। ये पुलाव को आप हर तरह की ग्रेवी के साथ खा सकते हैं या फिर इसे आप ग्रेवी के बिना भी खा सकते हैं। ये इतना बेहतरीन और इतना टेस्टी बने हैं ना दोस्तों। तो झटपट हम इसे गर्मा गर्म प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, चावल का टेक्सचर कितना बढ़िया। दोस्तों आप ये क्विक और टेस्टी मटर पुलाव को अपने लंच में या डिनर में सर्व कर सकते हैं, अपने लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें ये बना के खिला सकते हैं। दोस्तों बहुत तरह की पुलाव की रेसिपी और पुलाव के साथ खाने वाली कई तरह की लाजवाब ग्रेवी की रेसिपीज है मेरे चैनल पे, आप उन्हें जरूर ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो उसके लिए मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको जरूर दबाएं। उसके पास एक बेल बटन है, उसे भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।